हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में, जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस के कुछ फैक्ट्स को। ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फिर मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर वन, क्या आप सबको ये बात पता है कि हमें वन पीस में सबसे पहला मेन कैरेक्टर कौन देखने को मिला था? तो आप कहेंगे कि हमें सबसे पहले लूफी देखने को मिला था, या फिर आप ये कहोगे कि हमें कोबी पहले देखने को मिला था, पर आप सभी गलत हो। हमें सबसे पहले नामी देखने को मिली थी। अगर आपको ये फैक्ट पता था तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो चलते हैं फैक्ट नंबर टू। क्या आप सबको ये बात पता है कि हमें जितने भी वर्स्ट जनरेशन पायरेट्स देखने को मिले, उन सबके पास डेविल फ्रूट की पावर है, सिवाय जोरो को छोड़कर। क्या आपने ये बात नोटिस की थी? अगर की थी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर, फैक्ट नंबर थ्री। जब हमें 47 आर्क में लूफी और उसोप के बीच फाइट देखने को मिली, उसके बाद लूफी ने 15 चैप्टर्स तक स्माइल नहीं की थी, क्या आपको ये बात पता थी? फैक्ट नंबर फोर, क्या आप सबने इस बात पर नोटिस किया था कि इकलौता वाइट बियर्ड है जिसने अपनी किसी भी मूव का नाम नहीं दिया था? बाकी जितने भी हमें डेविल फ्रूट ईटर्स देखने को मिले थे, उन सबके पास कोई ना कोई मूव का नेम था, पर वाइट वेयर के पास नहीं था। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आप सबको ये बात पता है कि जब वन पीस एनीमे आई थी, तब आइचिरो ओडा, जो कि वन पीस के डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसे सिर्फ 5 ईयर्स तक चलाने के लिए सोचा था, पर उन्हें वन पीस की स्टोरी ड्रॉ करने में मज़ा आने लगा, तो इसलिए हमें अभी तक वन पीस एनिमे रन आउट देखने को मिलती है। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, जिससे मैं और मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट पर वीडियो बना सकूं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।